जयपुर अजमेरी गेट स्थित यादगार में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वितीय राहुल प्रकाश जयपुर शहर में लगाए गए नए सीसीटीवी कैमरों का वर्चुअल शुभारंभ किया। आपके तरफ से सर जी पूरा शहर कैमरों के महत्व से हम सभी परिचित हैं और अभय कमांड सेंटर की तरफ से ऑलरेडी लगभग 700 कैमरों का जाल पूरे जयपुर में बिछा हुआ है, लेकिन फिर भी कई महत्वपूर्ण जो हमारे चौराहे हैं वहाँ पर अभी कैमरों की आवश्यकता, उच्च गुणवत्ता के कैमरों की आवश्यकता, PTZ कैमरों की आवश्यकता महसूस होती है। श्रीराम कंपनी और हमारे पूर्व DG साहब कपिल गर्ग सर चाहते थे कि कुछ हम करें ट्रैफिक के क्षेत्र में, तो हमने यही निवेदन किया कि हमारे दो इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हैं, 200 फीट जो चौराहा है जहाँ की अजमेर की तरफ भी जाने का रास्ता है, सीकर दिल्ली की तरफ भी जाने का रास्ता है और B2 बाईपास से होते हुए भी आप आगरा और टोंक की तरफ जा सकते, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चौराहा था जहाँ पे एक तो इन कैमरों से सर्विलेंस, अपराधियों के आवागमन इत्यादि पे भी नज़र रखी जा सकेगी और साथ में ट्रैफिक के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट चौराहा है, तो वहाँ पर भी हम इसका नियंत्रण कंट्रोल रूम के माध्यम से कर पाएंगे। जैसा कि ये भी बात इसमें हुई है कि अगर इसमें इम्प्रूवमेंट हम कर पाते हैं इन कैमरों के माध्यम से तो कंपनी और ज़्यादा कैमरे लगाने के लिए इच्छुक रहेगी। हमारी कोशिश है कि लगातार कैमरों का जाल, ITMS का जाल जयपुर शहर में बिछे। अभी लगभग 30 करोड़ के लगभग का एक टेंडर स्मार्ट सिटी की तरफ से फ्लोट होने वाला है ANPR कैमरों का, तो धीरे धीरे ये जाल जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतने ज़्यादा हमारे लोग सुरक्षित रहेंगे। इसकी जो मॉनिटरिंग है केवल ट्रैफिक कंट्रोल रूम से या अभय कमांड सेंटर से भी? इसकी मॉनिटरिंग ट्रैफिक कंट्रोल रूम और अभय कमांड दोनों जगह से हो सकती है। इवन हम लोग चाहेंगे तो अपने मोबाइल के ऊपर भी, हमारे जो ऑफिसर्स ACP TI थे अपने मोबाइल के ऊपर भी इनके फीड को देख सकते हैं। भविष्य में मेंटेनेंस कौन देखेगा? भविष्य में मेंटेनेंस हमें स्वयं इसका देखना पड़ेगा, लगाने तक की पूरी जिम्मेदारी श्रीराम कंपनी ने उठाई। आज उधर की खड़ी और 200 पिक्चर आया से 20 कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं जिनमें से 8 PTZ और 12 फिक्स कैमरा। तो ये जो कैमराज हैं इनकी रेजोल्यूशन 4K रेजोल्यूशन है और इन पे जो हम जो है नंबर प्लेट वगैरह बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। ये हमें जो ट्रैफिक वायलेशन को कंट्रोल करने में और क्राइम को प्रिवेंट करने में भी सहायता करते हैं और भविष्य में हम ये अपेक्षा करते हैं कि इसमें जो है जो इनका उद्देश्य है वो ये पूरा करे। और सभी को मैं ये कहना चाहूँगी कि दोनों पॉइंट क्योंकि हमारे आदर्श चौराहा भी हैं तो यहाँ पे वायलेशन सभी कम से कम करें, क्योंकि जैसे ही वायलेशन करेंगे आप कैमरों की नज़र में आएंगे। सभी ध्यान रखें वासी कि आप अब कैमरों की नज़र में हैं, कोई भी वायलेशन करेंगे वो पक्षी नहीं जाएगा।